आगरा में नायकी मंडी के सदरभट्टी बाजार में जूते चप्पल के सोल बनाने वाली दुकान में आग लगने से भगदड़ मच गई। दुकान में रखे केमिकल के ड्रमों में विस्फोट होने लगे, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने से लगभग 25 फुट ऊंची लपटें उठने लगी। दुकान के आसपास के मकानों में रह रहे लोग परिवार समेत घर छोड़कर बाहर निकल आए। दुकान सकरी गली में होने के कारण फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नायकी मंडी के सदरभट्टी बाजार में जूते चप्पल के सोल बनाने वाली दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। लोग समझ पाते इससे पहले ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आसपास के मकान और दुकानों को खाली करा लिया गया। जिस दुकान में आग लगी थी उसमें कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे, हालांकि समय रहते उन्हें बाहर निकाल लिया गया और गनीमत ये रही कि कोई भी जनहानि इस आग में नहीं हुई। दुकान के अंदर चमड़ा, रैगजीन, धागे, कपड़े जैसे आइटम रखे हुए थे, इसलिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया और दुकान के अंदर कुछ केमिकल के ड्रम भी रखे हुए थे। ड्रमों तक आग पहुंचने के बाद धमाके शुरू हुए। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड और इलाका पुलिस को दी और कुछ ही देर में इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। भीषण लपटों की वजह से कोई पास नहीं जा पा रहा था और पानी की बौछार के बावजूद आग कम नहीं हो रही थी। इलाके में चारों तरफ काला धुआं फैल गया था। ऐसे में वहां रह रहे लोगों को डर सता रहा था कि अगर आग उनके घरों तक पहुंच गई तो बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आसपास के लोगों से घरों को खाली करा लिया। देखिए, आज लगभग 1.5 घंटे पहले अभी से लोकल सूचना मिली कि सदरभट्टी थाना नायकी मंडी अंतर्गत क्षेत्र में एक दुकान में आग लग गई है और इस सूचना पर तत्काल बहुत ही जल्द समय में फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस यहां मौके पर पहुंचा और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जिनके द्वारा आग बुझाए जाने की कोशिश की जा रही है। जो मेन आग थी वो बुझ गई है, रेसिडुअल आग है जिसकी वजह से धुआं उठ रहा है। मौके पे किसी भी व्यक्ति की जनहानि होने की सूचना नहीं है और आवश्यक कार्रवाई सबके द्वारा की जा रही है। देखिए, एक बार जब आग बुझ जाती है तो इन सभी बिंदुओं पर जांच की जाएगी और कैसे ये आग लगी उसकी भी हमारे द्वारा समीक्षा की जाएगी। आग लगने का कारण क्या? देखिए, यहाँ पे इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस रखे जाने की सूचना है और ये कंफर्म हम एक बार आग बुझने के बाद की जांच में ही कर सकते हैं। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।